हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है LG का 21 इंच CRT टीवी, जिसमें वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर साइड में इसका ब्लैंक है और लाइनिंग दे रहा है, और नीचे साइड में स्क्रीन ओके है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, आप एक बार इसका जो PCB है उसको एक बार देख लीजिए। तो इसका मेन IC और वर्टिकल IC, ऑडियो IC सब हम आपको दिखाते हैं। तो इसका मेन IC था और यह ऑडियो IC है, और इसमें वर्टिकल IC यह लगा हुआ है जो कि 78141 इसका नंबर है। इसका जो ESD है, यह स्पार्क करने से भी ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि IC भी ख़राब हो सकती है इसकी, जो वर्टिकल IC है या मेन IC भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्टिकल का आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, और IC यहाँ पे देख लेना है कि यह ESD स्पार्क कर रहा है नहीं। तो हम सबसे पहले इसका मेन वोल्टेज चेक करेंगे, 110 वोल्ट, जो कि 120 वोल्ट बन रहा है। और यह जो 4 लेग का रेगुलेटर है, इसके आउटपुट पे 9.2 वोल्ट बन रहा है और इनपुट पे 11.5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके आगे वहाँ से होते हुए यहाँ पे एक 3 लेग का रेगुलेटर मिलेगा, जो कि फर्स्ट पिन पे इसके 5 वोल्ट और जो मिडिल पिन है उस पे 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा, जो कि मेन IC और मेमोरी IC पे जाता है। और उसके आगे आप और जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर मिल जाएगा, जो कि 3 लेग का रेगुलेटर है। तो इसके फर्स्ट पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट रेगुलेट हो रहा है आउटपुट पे, और इनपुट पे 7.5 वोल्ट बन रहा था। और यह मेन IC के 33 नंबर पिन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा सारा वोल्टेज ओके है। और अब यहाँ पे हम वर्टिकल वोल्टेज चेक करते हैं। तो यह ST से होकर जब ST ऑन होता है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज इसका वर्टिकल वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे 14.5 वोल्ट प्लस और 14.5 वोल्ट जो कि माइनस वोल्ट, तो इसके वर्टिकल के दूसरे नंबर पिन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 14.5 से 15 वोल्ट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि सेकंड नंबर पिन। और 4 नंबर पिन पे आपको माइनस 14.5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे यह भी वोल्टेज ओके है। और इसके 6 नंबर पिन पे आपको 15 वोल्ट या 14.5 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि 1.1 वोल्ट है, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस डायोड को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम आपको इसका एरिया भी दिखा देते हैं कि किस एरिया में लगा हुआ है। तो यह आप डायोड देख सकते हैं, हमने इसको डिसोल्ड वायर की मदद से इसको ओपन कर लिया, और इसका नंबर आप देख सकते हैं 4005, यानी कि 4005 इसका नंबर है। तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसका डायोड का लोकेशन आप देख सकते हैं, और एक बार हम मल्टीमीटर से इसका कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। तो यह आप देख सकते हैं, यह इसका हाई ओम्स दिखा रहा है, यह इतना इसको ओम्स नहीं दिखाना चाहिए, जो कि यहाँ पे 806 ओम्स यहाँ पे दिख रहा है। और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो डायोड, उसका नंबर हम आपको एक बार क्लियर करके दिखा देते हैं। यह 159 इसका नंबर है, 159 नंबर, और इसको हम एक बार कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 482 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि यह डायोड ओके है। तो एक बार हम इसको लगा लेते हैं और फिर से इसमें पावर देके इस पर वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पे अब कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया है और यहाँ पे 15 वोल्ट एक्यूरेट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अभी तक -1.1 वोल्ट मिल रहा था। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज एकदम ओके हो गया है। तो एक बार हम आपको TV भी चला के दिखा देते हैं।
तो आप हमसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो यह आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम ओके हो गया है और स्क्रीन भी फुल साइज़ दे रही है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।